अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सुतरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रोटियों से बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर में हाफ कप ऑयल गरम कर लेंगे। अब इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज भुन चुकी है, अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 बड़े टमाटर कट करके डालेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 3 से 4 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें 250 ग्राम मटन का कीमा डालेंगे। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसका पानी सूखने तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, तो इसमें थोड़ा सी पानी डालेंगे और ढक्कन ढककर इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। तो अब कुकर को खोलते हैं, देखिए कीमा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमे में साइड से तेल छूट रहा है, यानी कीमा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें 4 रोटी के टुकड़े करके डालेंगे। मैंने रोटियां 1 दिन पहले की ली हैं, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन 1 दिन पहले की रोटी में ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप फ्रेश रोटी डाल रहे हैं तो इसे फ़ैन के नीचे थोड़ा कड़क कर लीजिए और फिर इसके बारीक बारीक टुकड़े कर इसमें डालिए। तो मीडियम फ्लेम रख कर इसे 3 मिनट तक भुनेंगे। अब इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे बॉईल होने देंगे। रोटियां तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, बस रोटियों को थोड़ा नरम कर लेना है। रोटियों में पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सी नमक डालेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। तो सुतरी की थिकनेस हम इतने ही रखेंगे। अब इसमें थोड़े पुदीना और हरा धनिया के पत्ते कट करके डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1/2 नींबू का रस डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरह सुतरी रेडी हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसका टेस्ट थोड़ा खिचड़ा टाइप भी लगता है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिए। और ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।